नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्रवासी मजदूर कोरोना की हर चर्चा में आ रहे हैं। चर्चाएं हो रही है कि प्रवासियों के बिहार आने के बाद कोरोना की संख्या में जो है वो इजाफा हुआ है, लेकिन उनकी तकलीफ़ों से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जितनी तकलीफ़ें उन्हें दूसरे प्रदेशों में थी, बिहार आने के दरमियान भी उतनी तकलीफ़ें हो रही हैं और बिहार आने के बाद भी उतनी ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की है। प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से चलकर बिहार तक पहुँचे हैं और बिहार के अलग अलग ज़िलों में उन्हें जाना है, लेकिन बता रहे हैं कि स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच की जा रही है, लेकिन उसके बाद वो घर कैसे जाएंगे इस बात की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ ट्रेन में उनके साथ क्या कुछ हुआ, सफ़र के दौरान किन मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा, खुद बता रहे हैं लोग, आप सुनिए। बच्चे के लिए गाड़ी में क्या क्या था? दूध उध वगैरह कुछ मिला बच्चे को? सिर्फ बिस्कुट। आपको कुछ खाने को मिला कि नहीं ट्रेन में? बिहार में आने पर कुछ मिला कि नहीं? चूरा मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। सुबह से कुछ खाए हैं कि नहीं? हाँ, नहीं नहीं खाए, नहीं खाए हैं। कहाँ कहाँ जाना है आपको? स्टेशन में खड़ा है, यहाँ कोई बस बताने के राजी नहीं हो रहा है, कोई गाड़ी सुविधा में। हम लोग का सीतामढ़ी जाना है, सीतामढ़ी से फिर सोनवर्षा जाना है। खाना पीना मिल रहा है कि नहीं? खाना पीना कुछ नहीं मिला, आधा किलो चूरा सूखा मिल रहा है। सूखा मिल रहा है, चूरा से पेट में दर्द करना और बीमारी बढ़ाना है। ओ, हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर से सोनवर्षा भेजे ना, जब दिल्ली से यहाँ बुला लिए तो। खाने पर क्या व्यवस्था है? खाने कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था खाने पीने के लिए एक चूरा सिंगल मिल रहा है बस, एक बोतल पानी मिल रहा है, देख लो एक बोतल पानी। यही पानी अभी दिया 12-1 बजे पानी चूरा। तो कुछ खाने को नहीं? कब से भूखे हैं? सुबह से। सुबह से क्या करें, सरकार कोई मदद करिए नहीं रहा गरीब आदमी के लिए। यही चूरा 1 बजे दे रहा है, चूरा पानी, क्या होगा, गरीब मरेंगे भूखे। तो आपने प्रवासी मजदूरों की बातें सुनी, किन्हीं को सीतामढ़ी जाना है लेकिन बसेस की व्यवस्था उस प्रकार से नहीं है, उन्हें बस नहीं मिल पा रहा है। दूसरी जगह खाने पीने की दिक्कतें हैं, ट्रेन में 1 दिन 2 दिन का सफ़र लोग बिस्किट खाकर काट रहे हैं, बिहार आने के बाद उन्हें चूड़ा हाथ में थमा दिया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। एक तरफ सरकार जहाँ पूरी कोशिश कर रही है कि आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, स्किल सर्वे कराया जा रहा है मजदूरों का ताकि उन्हें काम मिल सके, और कोशिश की जा रही है कि लोगों को दूसरे प्रदेशों से सुरक्षित बिहार लाया जाए, लेकिन चूक कहाँ हो रही है, जो कुव्यवस्था दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है। सरकार कोशिशें कर रही है, अपनी बातें रख रही है, तमाम तरह के जो फंड्स हैं उन्हें रिलीज़ कर रही है, लेकिन फिर भी सुविधाएं जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक ज़रूर है, जिस पर काम करने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।